खराब लगे उसका। गाड़ी हुआ G2 प्लस, इसका हीट होने के बाद गाड़ी का पिकअप लो हो जाता है। हीट कटा का प्रॉब्लम दिखा रहा है, हीट स्विच का और स्पीड मीटर सेंसर का 3-4 दिखा रहा है, लेकिन मैंने कूलेंट का प्रॉब्लम, फैन गाड़ी खड़ा करने के बाद चलता है। ये देखिए पेट्रोल इंजन का, पेट्रोल का जो इंजन है इसका ये रहा इंजेक्टर, यहाँ तेल देता है, ये रहा सेमी है डीजल का जैसे ही दिया है वाला भी, इंजेक्टर दिया है, प्लग दिया है, क्या है रहा साइलेंसर, सब तो सेम ही है। फिर बस इसका उसका नोजल था, यहाँ दे दिया थे प्लग, यहाँ दे दिया इंजेक्टर, बाकी सारा तो सेम ही है। बस इसका देखिए हीट कटा स्विच टू चेंज करके दिखाते हैं आपको। फाइनली देखिए कपड़ा खोल के निकाल दिया, स्विच खोलेंगे 18-19 रिंग से खुलेगा। पला लेगा देखिए वाला हीट कटा स्विच खोले, दूसरा लगाया नया वाला, स्टार्ट मारो मारो ठीक है पूरा एकदम, पहले स्टार्ट नहीं लेता था गर्म होने का, बड़ा झटका दे रहा है वो, तेल का प्रॉब्लम होने से। देखिए पेट्रोल का पाइप खोले, इसका प्रेशर देखेंगे, प्रेशर प्रेशर क्या आ रहा है। देखिए तेल निकालने दो बार में इतना निकला, तेल तो बहुत कम दे रहा है। देखिए पानी ढालने वाला बगल में दिया, ये दोनों खोल के ढालने से हो गया। अभी तो फिलहाल में गाड़ी ठीक है, खुद ही जा रहा है दो राम पार कर रहे हैं गाड़ी, क्योंकि चेकलाइट आ रहा है इसका, देख देंगे चेकलाइट हम, पहले तेल डिपर मारा था अभी ठीक है, हीट कटा स्विच बदलाए हैं अभी तो इसे गाड़ी ठीक ही है। एक्यूरेट 65 उठता है जी, तो इससे ज़्यादा तो उठा नहीं है अभी तक। इसे देखिए प्लग भी नया लगाएंगे, और ये देखिए हीट कटा का स्विच भी लगाए थे, प्लग नया डाल देंगे, थोड़ा सा गाड़ी झटका लेता है, इसे तो ठीक ही है फिर भी डाल देंगे नया लेके लाया तो। एसी गोल्ड इसका सेम ही लगता है ठीक है, बाकी गाड़ी झटका उटका नहीं ले रहा, बाकी सब गाड़ी उसके